वहीं एक और बड़ी खबर देखिए, शहरी निकायों के प्रदर्शन के आधार पर बनाई जगह। जयपुर शहर ने टॉप 20 में जगह बनाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सिटी रैंकिंग 2020 जारी की है। देश के मोस्ट लिवेबल एंड बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज की रैंकिंग जारी की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और परफॉर्मेंस में जयपुर को स्थान मिला है। 10 लाख से ज्यादा आबादी के शहरों में 19वां स्थान मिला है। इसी श्रेणी में जोधपुर को 46वां और कोटा को 50वां स्थान मिला है। इंदौर टॉप पर रहा, सूरत दूसरे स्थान पर रहा और भोपाल तीसरे स्थान पर रहा है। तो दो अलग अलग रैंकिंग, एक रैंकिंग के अंदर राजस्थान के तीनों शहर टॉप 20 से बाहर और दूसरी रैंकिंग जो कि शहरी निकायों के प्रदर्शन के आधार पर बनाई गई है उसमें कम से कम जयपुर टॉप 20 के अंदर है, 19वें स्थान पर है। वहीं देश भर के शहरों में उदयपुर को 8वां स्थान मिला है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस की रैंकिंग में 8वां स्थान मिला है। 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी के अंदर ये उपलब्धि मिली है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सिटी रैंकिंग्स 2020 जारी की है। देश की मोस्ट लिवेबल एंड बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज की रैंकिंग जारी की है। इस श्रेणी में प्रदेश के एकमात्र दूसरे शहर अजमेर को 41वां स्थान मिला है। दिल्ली सोरान टॉप पर रहा है, तिरुपति दूसरे स्थान पर रहा है और गांधीनगर तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं देश भर के शहरों में अजमेर को मिला 12वां स्थान। ईज ऑफ लिविंग की रैंकिंग मिला 12वां स्थान। 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी के अंदर ये उपलब्धि मिली है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सिटी रैंकिंग 2020 जारी की है। देश के मोस्ट लिवेबल एंड बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज की रैंकिंग जारी की गई और इस श्रेणी में प्रदेश का एकमात्र दूसरा शहर उदयपुर रहा। उदयपुर को इस श्रेणी में 48वां स्थान मिला जबकि पूरे देश में शिमला टॉप पर रहा है, भुवनेश्वर दूसरे पर और सिलवासा तीसरे स्थान पर रहा है। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो इज ऑफ लिविंग की ये रैंकिंग जारी की गई है, ये राजस्थान के लिए आप संतोषप्रद कहेंगे या कहेंगे कि अभी बहुत ज्यादा सुधार की एक बार फिर से जरूरत है? देखिए विजेंद्र, आज जो रैंकिंग जारी की गई है ये मोटे तौर पर दो श्रेणियों में जारी की गई है। पहली श्रेणी है ईज ऑफ लिविंग की और दूसरी श्रेणी है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस की। इट मीन्स उस शहर में जो भी नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर हम ईज ऑफ लिविंग की बात करें तो ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि जो नंबर एक शहर है बेंगलुरु 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों की श्रेणी में उसके हैं 66.70 अंक और पुणे के हैं दूसरे नंबर पर पुणे के हैं 66.27 और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद के हैं 64.87। अगर हमारे प्रदेश के शहरों की बात करें जोधपुर जो कि 21वें स्थान पर है लेकिन उसको अंक हैं 55.80, जयपुर के अंक हैं 55.70 जबकि कोटा के अंक हैं 49.52। तो ये बताता है कि टॉप पे आने के लिए या टॉप 10 में जगह बनाने के लिए काफी कुछ मेहनत की जरूरत है। इसी श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग की जो हम बात कर रहे हैं इसमें अगर हम 10 लाख से कम आबादी के शहरों की बात करें तो अजमेर जो है जो कि 12वें स्थान पर है लेकिन उसका स्कोर जो है 54.89 है। उदयपुर जो कि 48वें स्थान पर है उसका स्कोर 50.85 है जबकि इसी श्रेणी में जो देश के जो टॉप तीन जो शहर हैं उसमें शिमला 60.90 है, भुवनेश्वर जो है 59.83 है और सिलवासा जो एक शहर है तीसरे नंबर पर उसका 58.53 है। दूसरी जो बड़ी कैटेगरी है वो है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस की। उसमें जरूर हम स्थिति संतोषप्रद कह सकते हैं क्योंकि जयपुर जो है वो टॉप 20 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। जयपुर 19वें स्थान पर रहा है, उसका स्कोर रहा है 48.58 जबकि 46वें स्थान पर जोधपुर रहा है जिसका स्कोर है 39.37 और तीसरे उस पर 50वें स्थान पर रहा है कोटा जो की 25.90 है। इसमें जो इंदौर है जो की सफाई में पहले भी जो है पूरे देश पहले या दूसरे स्थान पर रहा है, इंदौर के यहाँ टॉप पर है और उसके अंक हैं 66.08। सूरत जो कि दूसरे नंबर पर है उसके अंक हैं 60.82 और तीसरे नंबर पर जो भोपाल है उसके अंक हैं 59.04। अब अगर इसी म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में 10 लाख से कम आबादी के शहरों की बात करें तो उदयपुर ने जरूर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस श्रेणी में उदयपुर को 8वां स्थान मिला है और अंक मिले हैं 47.77 जबकि इसी श्रेणी में जो एकमात्र दूसरा शहर है अजमेर वो 41वें स्थान पर रहा है,
उसके अंदर है और 30.4 बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।